हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सौम्यास कॉर्नर। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ये गोल गोल फूले फूले सूजी के अप्पे। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। इनको आप अपने नाश्ते में शामिल आराम से कर सकते हैं। ये बहुत ही हल्के होते हैं, आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं और इनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आइए बनाते हैं सूजी के अप्पे। सबसे पहले मैंने ली है सूजी, ये 2 कटोरी सूजी मैंने ली है। इसको अच्छे से मैंने छान के साफ़ कर लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कटोरी दही। ये मैंने फ्रेश दही ली है बिल्कुल। आप इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाना है। बैटर ना बहुत थिक हो ना बहुत पतला हो। अब हम इसमें पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार करेंगे। धीरे धीरे इसको चलाते हुए मिलाएंगे और अच्छे से इसका बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, क्योंकि सूजी जो है वो फूलती है। इसलिए जब भी आप कोई सूजी का चीज़ बनाएं तो उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पॉइंट पर ज़रूर छोड़ें। अब ये देखिए, 10 मिनट के बाद जो है सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसको हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये देखिए, धीरे धीरे चलाते हुए मिक्स करना है। और साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालने वाले हैं। ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल यहाँ पर करने हैं। नमक मैं डाल रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए, मैंने नमक डाल दिया है और इसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लगभग 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च मैंने डाल दी है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल। नमक और काली मिर्च जो है वो पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। अब इसको हमने एक ही साइड में चलाते हुए मिक्स करना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये नहीं है कि आप एक बार इस साइड घुमाओ एक बार इस साइड घुमाओ, नहीं, आपको एक ही साइड इसको मिक्स करना है। अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। ये मैंने लिए हैं बारीक कटे प्याज, कुछ हरी मिर्ची, कुछ टमाटर बिल्कुल बारीक कटे हुए, और मैंने लिए हैं बीन्स। आप सब्ज़ियाँ यहाँ पर अपने पसंद की कोई भी सीजनल जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो डाल सकते हैं बारीक काट के। ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है बिल्कुल। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। सब्ज़ियाँ आपने जो हैं वो बिल्कुल बारीक काट कर यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। ये देखिए, सारी सब्ज़ियाँ मैंने डाल दी हैं और इनको धीरे धीरे चलाते हुए एक ही साइड में मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए, सारी सब्ज़ियाँ इसमें जो हैं अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार करते हैं। ये देखिए, मैंने एक बड़े चम्मच में ऑयल ले लिया है और इसमें मैंने डाल दी है राई। राई को चटकने देना है हमने। ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, राई फटाफट चटकना शुरू कर दे रही है। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें कुछ कड़ी पत्ते, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। ये देखिए, ये भी हो चुकी है। तड़के को डाल देंगे अपने बैटर के ऊपर से। इससे क्या होगा, जो ऑयल हमने डाल रहे हैं इसमें तड़के के रूप में, उससे जो हमारे अप्पे हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें 1/2 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, ये मैंने राई और जीरे को मिक्स कर लिया है। और अब हम करते हैं अपने अप्पे स्टैंड को ग्रीस। ये देखिए, अप्पे स्टैंड पे मैं हल्का हल्का सा ऑयल लगा, आप ये चम्मच से भी डाल सकते हैं। और देखिए, ऐसे धीरे धीरे से इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। देखिए, मैंने पूरे अप्पे स्टैंड को ग्रीस कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा सा राई और जीरा, जो भी हमने मिक्स किया था। और इसके साथ ही एक छोटे चम्मच से मैं इन सभी बॉल्स में जो अपना मिक्स है उसको फिल कर दूंगी। आपने इसको अच्छे से फिल करना है। ये नहीं है कि थोड़ा थोड़ा डाल दिया, इसको ऊपर तक पूरा भरना है, तभी आपके अप्पे जो हैं वो गोल 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 फूले फूले बनेंगे, नहीं तो वे एक साइड से बैठे बैठे से हो जाएंगे। और सबको भरने के बाद इस तरह से मैं एक प्लेट जो है इसके ऊपर ढक दूँगी और इसको अच्छे से पकाऊँगी। अब ये देखिए, एक साइड से ये हो चुके हैं तैयार। अब हम इसको पलट देंगे। इनको पलटना बहुत आसान है, ये बिल्कुल चिपकते नहीं हैं। आसानी से स्टैंड को ये छोड़ देते हैं और ऐसे ही इन सारे अप्पों को मैं पलट लूँगी। ये देखिए, और पलट के भी हम इसको ढक के दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। हमने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है। और इस तरह से हमारे अप्पे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। मैं इनको नारियल और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं।
बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पसंद आती हैं तो लाइक भी कीजिए और मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़ जो हैं वो ज़रूर बताइए। ये देखिए अप्पे जो हैं वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको सुबह के नाश्ते या शाम के नाश्ते किसी में भी आराम से इसको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं और आराम से ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने इनको सूजी से बनाया है और बनाना तो इतना आसान है कि बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय।